माधवी जब से तुम गई हो ना तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये मूछे निकल ही नहीं रही है। ये देखो कितना ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये मूछे निकल ही नहीं रही है। बड़े भाई मेरे मूछ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं 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 मूछ को कुछ नहीं हुआ, वो जैसी है वैसी ही है। हाँ फिर मैं आ रहा हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही थी दूर तक आने की, मैं आपके पास आके मूछ पहुँचा देता हूँ ना। हाँ भीड़ अंकल, मूछे निकालने के लिए मेरे पास एक सुपर आइडिया है। मुझे निकालनी है टप्पू, परमानेंट लगा की नहीं है, तुम्हारी आइडिया नहीं चाहिए, घर जाओ। तो दूसरा आइडिया सुन, बोला ना घर जाओ, जाओ जाओ घर जाओ, चलो। तो क्लास में से इतना जल्दी क्यों आ गया? वो भीड़ अंकल ने छुट्टी दे दी। क्यों? भीड़ अंकल ने पत्रकार बनने के लिए जो मूछे लगाई थी वो निकल ही नहीं रही है। क्या? क्यों? क्योंकि भीड़ अंकल ने मूछे चिपकू गम से चिपकाई थी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखिए हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं और कुछ भी करके हम भीड़े भाई के मूछे निकाल कर ही रहेंगे, ठीक है? अरे ओ भाई क्या कुछ भी करके निकाल कर रहेंगे, उसने चिपकू गम से चिपकाई है मुझे, चिपकू गम। कुछ मालूम है तुझे, भीड़े की असली मूछे उगाएगी लेकिन ये नकली मूछे नहीं निकलेगी। असली मूछे निकल आएगी तो अच्छा है ना, नकली मूछे अपने आप निकल जाएगी। मम्मी भीड़े अंकल के घर पे जाना तो जल्दी निकलो। बेटिया मैं तो तैयारी हूँ, तुम्हारे पापा को देखो ना, पता नहीं कहाँ पर खो गए हैं। अच्छा आप लोग पहुँचो, मैं सबको बोल के जाता हूँ। ओके हाँ हाँ चलो चलो जल्दी। अरे चलिए जल्दी चलिए। ये कुछ काम का नहीं है, एक मेडिस से देखती हूँ। ये क्या अभी? ये वो लैश कर्लर रहता है ना, वो है। एक मिनट एक मिनट, आनंद भाई का फोन, अभी मैं क्या बोलूं इनको, बात करो। मैम मैं क्या बात करूं, आप ही बात करो। कठिन है। हाँ बोलिए आनंद भाई। अरे भिड़े भाई मेरे मुझ का क्या हुआ? अरे वही तो निकाल रहा हूँ, वही लेकर निकल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है कस्टमर के पास, तो वहाँ जाकर फिर आपके पास ही पहुँचता हूँ। भिड़े भाई जरा जल्दी आना, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहुँच ही रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। एक शिक्षक होकर झूठ बोलना पड़ा मुझे आज इन मूछों की वजह से। मैंने कहा था ना मूछे मेरे लिए अनलकी है, और ये सब उस पोपटलाल की वजह से हुआ है, उसकी गलती है। पोपट भौजी का क्या संबंध इसमें? अरे उसी का तो संबंध है, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला था, ना ही मैं नकली पत्रकार बनता और ना ही मैं नकली मूछ लगा था। तो फिकर ना कर, तेरा खास यार आ गया, अभी तेरी मूछे उखाड़ के फेंक दूंगा। ओ भाई ओ गदर, ये हैंड पंप नहीं है जो उखाड़ के फेंक देगा, ये मूछे है वो चिपकाई हुई है, उसको प्यार से निकालना है। हाँ ये दरअसल तेरी गलती की वजह से चिपक गई है। अहो आप एक नक्की करो, मेरी गलती है, पोपट भौजी की गलती है, या सोड़ी भाई की गलती है? इसकी भी गलती है मेरी। हाँ जब मैं मूछे चिपका रहा था तब तुम ही कंपाउंड से चिल्ला रहे थे, ओए भिड़ू छत्ती छत्ती, उसी छत्ती के चक्कर में इसने वो चिपकू गम दे दिया और मैंने मुझे चिपका दी। ओए भिड़ू तू भी कमाल करता है यार, और मैं तेरे घर पे तेरी मदद करने आया हूँ और तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। ओए देख ली तेरी यारी यार, ओए रोशन ओ घर चल। मूछ नहीं निकली, हम निकल रहे हैं। क्यों क्या हुआ पूछो। सोड़ी भाई सॉरी सॉरी, इनके कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ सोड़ी आई एम वेरी सॉरी, तू तो जानता मैं कितना टेंशन में हूँ। अभी मान ले तुम्हारे मुंह पे ऐसे नकली मूछ चिपकाई होती तो क्या करता तू? ओए पिड़ू और क्या बात कर रहा तू, ओए हम लोग सरदार हैं, नकली मूछे नहीं लगाते, असली मूछे उगाते हैं। सॉरी सॉरी काय बोलते हो, घोर पाप के। क्या कुछ भी बोलते हो, सॉरी सॉरी क्या है। अभी मान ले सोड़ी के हाँ तुम्हारे पैरों में जूते चिपक जाते तो। भीड़े भाई जूते भी कोई गम लगा के पहनते हैं? हाँ वो भी है। सुटम है पन। मान ले मान ले। अरे भाई भीड़े तो अभी सोड़ी को सब कुछ चिपकाना बंद कर और तेरे मुंह पे जो मूछ चिपक गई है उसके बारे में सोच। अरे जेठालाल कब से वही सोच रहा हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने मूछे चिपकाने के बारे में सोचा, और चिपकाई भी तो किससे, चिपकू गम से। भीड़े भाई आपके पास अभी चिपकू गम थोड़ा सा होगा, मुझे थोड़ा सा चाहिए। क्यों? अरे वो घर में खुलता नहीं है ना, उसका हैंडल टूट गया है, मैंने नया गम लाया उसे चिपकाया पर वो चिपक ही नहीं रहा है, ये चिपकू गम है ना बहुत सॉलिड है।
भैया पापी जी ये सॉलिड नहीं लिक्विड होता है पर होता बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इससे कुछ भी चिपका लो फर्नीचर प्लास्टिक प्लाई एकदम चिपक जाता है ऐसा कहीं वेगलो चल ले अच्छा भिड़े भाई मुझे वो चिपको गम देंगे बस तीन चुक सा ही चाहिए मेरा काम हो जाएगा अरे यहाँ भिड़े को अपनी मूछ को लेकर टेंशन है और तू अपनी फूलदानी को लेकर बैठी है दया भाभी अभी फूलदानी के बारे में भूल जाओ मेरे सर पे मुझे निकलने का टेंशन है दया भाभी सॉरी भिड़े भाई सॉरी भिड़े भाई रोशन तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है कुछ करनी बाबा वही क्या करना है सुनिए बोल अब भिड़े भाई की मूछे निकालने के बारे में कुछ कर ऐसा बोल रही हूँ ओके और पेड़ो बैठ जाओ शाबाश अपनी आंखें बंद कर क्यों अहो वो कह रहे हैं तो आंखें बंद कीजिए ना पता तो चलना चाहिए कि क्या कर रहा है माधवी भाभी आप इसकी आंखें बंद करो माधवी भाभी आप अपनी आंखें भी बंद करो मेरी क्यों अभी वो कह रहा है तो करो ना मेरी मुछों के लिए इतना नहीं कर सकती नहीं नहीं मत करती हूँ रेडी वन टू थ्री शांत और दया भाभी जी सोनी है और तुम दोबारा क्यों चिल्ला रहे हो एक बार हो गया ना आपका सॉरी अरे पर सॉरी पकड़ दे कोई मूंछ खींच जाएगा यार प्रा ओ हमारे गैरेज पे अगर कोई रबड़ चिपक जाता ना तो हम ऐसे पकड़ से खींच के निकालते हैं सॉरी रबर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर चिपका होता है और यहाँ पर सिर्फ आत्माराम की मूंछ नॉन लिविंग थिंग है आत्माराम तो लिविंग थिंग है ना वस्तु है बोला बोला तो फिर देख लो यारो तो मैं तो अपने कार से यही एक आइडिया लेके आया था आत्माराम तुम टीचर हो के ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो और चिपकू गम से कोई मूछ चिपकाता है माधवी भाभी आपने तो इसे रोकना चाहिए था सॉरी अय्यर भाई नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी हा? नेक्स्ट टाइम अय्यर भाई देखिए इंसान से जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है अभी टप्पू के पापा को ही ले लीजिए एक बार वो दोनों पैर में अलग अलग मोजे पहन के चले गए थे और एक बार तो मेरा लेडीज रूमाल लेकर चले गए थे और एक बार तो दया एक बार हम लोग क्लब हाउस में स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे सबको आमंत्रण पत्रिका बांट के जिसका शीर्षक होगा जेठा की कहानी दया की जुबानी बता देगा तभी तुझे जो बोलना है बोल देना अभी रहने दे हा? लेकिन अभी थोड़ा ही बाकी है बोलने दीजिए ना हमका प्रोग्राम का खर्चा क्या करने का माधवी काय चल रहे हैं सर कड़क नहीं है हां तो एक बार दया ऐसे थोड़ी होता मुझे भी नन्हा खर्चा का कम करने मान करनी थी का अरे मैं उनका मौला की मन की जब मुझे थोड़ा बोलने में खर्चा कम हो जाएगा तो आत्माराम तुमको मालूम है चिपकू गम कितने डेंजरस केमिकल का मिक्सचर है अय्यर अभी भीड़ी भाई को भाषण के लिए मदद की जरूरत है हाँ। तो टप्पू के पापा कीजिए ना मदद ओ दया पापी जी वो हमारे बीच में इतने बड़े साइंटिस्ट है इनकी पढ़ाई कब काम आएगी अय्यर परा वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो और पिड़ू की फटाफट मुझे निकालो बताओ बताओ भाई ये चिपकू गम का केमिकल 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है मतलब अय्यर मेरे मुंह को तुम 100 डिग्री तक की गर्मी दोगे
भाई, अय्यर भाई। अरे किधर पड़ेगी अपना अय्यर भाई? ये क्या है बबीता जी, ये ऐसा कोई आइडिया देता है? जयटा लाल, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। नशीब। ओ अय्यर प्रा, ये वक्त जनरल बात करने का? ओ पिड़ू को देखो, ओ कितनी मुश्किल में है यार। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। माधु अभी एक बकेट पानी लेकर आ। अभी क्या अभी इधर ना हो गए बबीता जी? जयटा लाल, मेरे को नहाने का नहीं है, कुछ टाइम तक मूंछों को पानी में भिगो के रखेंगे तो शायद वो निकल जाएगा। अरे मूंछें तो निकल नहीं रही हैं, तो मूंछों को भिगोएंगे कैसे? अरे सॉरी, मूंछों को आत्माराम के मुंह के साथ पानी में भिगोएंगे तो शायद वो निकल जाएगी। अय्यर भाई, पानी से निकलने की कोशिश की, पानी का वो स्प्रे रहता है ना, वो भी किया, लेकिन इनकी मूंछें है कि निकल ही नहीं रही है। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, पोछा लगाने से या स्प्रे करने से मुझ नहीं निकलेगा, ये आत्माराम के मुंह को 10 मिनट तक पानी में ऐसा डुबो के रखना पड़ेगा, तब वो शायद मुझ निकलेगा। 10 मिनट? अरे पानी चाहत मुझे ऑक्सीजन कैसा काकता दे रहा है मानो। अरे अय्यर, मैं आदमी हूँ आदमी मछली नहीं हूँ, पानी के अंदर 10 मिनट मुंह सांस कैसे लूंगा? हाँ अय्यर भाई, 10 मिनट जरा ज्यादा है, थोड़ा व्याजबी रात लगाइए ना। मतलब जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे नहीं, क्या है जया भाभी? ऐसा क्या अय्यर भाई, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। दया भाभी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। अरे आप समझ नहीं रहे अय्यर भाई, 10 मिनट तक मुंह में पानी नहीं रखना है, मुंह को पानी में रखना है। 10 मिनट तक बेचारा भेड़े पानी के अंदर मुंह कैसे रख सकता है? क्यों नहीं रह सकता? अच्छा ओके, एक काम कीजिए, 10 मिनट तक पहले आप थोड़ा रख के बताओ। चलो जयटा लाल, मेरे को मुझ नहीं चिपका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माधवी भाभी एक एक्स्ट्रा मूछ होगा आपके पास? है सॉरी, कैची कैची तो होगा ना घर में? हाँ कैची है। हाँ दया, तेरे बाल थोड़े काट के उसको चिपकू गम लगा के अय्यर भाई की थोड़ी मूछ बनानी है, चलेगा? हाँ हाँ, मेरे पास तो बहुत बाल है, थोड़े बाल देने में क्या चाहता है। थैंक यू दया। माधवी भाभी जरा कैची देंगे? एक मिनट, आत्माराम तुम एक काम करो, जितनी देर पानी में मुंह रख सकते हो उतनी देर रखो, वापस निकालो, ऑक्सीजन लो और फिर से पानी में मुंह डालो। हाँ हे बरोबर है। ओ भी साइंटिस्ट साहब ने कहा है तो आइडिया तो ट्राई करना ही पड़ेगा। ओ माधवी भाभी पार्टी लगाओ। आत्माराम एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, प्लीज प्लीज। आराम से पिड़ू, आराम से आत्माराम, आराम से ट्राई करी थी, जितनी देर अंदर रह सको उतना ही रहना प्लीज। क्या यार, इनको भी सुनाई थोड़ी दे रहा होगा पानी के अंदर। वाह वाह बबीता जी, अय्यर भाई सीखो कुछ सीखो। जटला साइंटिस्ट अय्यर भाई है क्या बबीता जी? तो पानी गलती से पी ना जाना। अरे ये मुझे तो निकल ही नहीं रहा है। अय्यर भाई कहाँ पढ़ाई की है आपने, इतना फ्लॉप आइडिया देते हैं आप। टप्पू के पापा फोन दीजिए तो जरा। क्यों, किसको फोन करना है? दीजिए ना जल्दी। मजे में हूँ, लेकिन माँ भीड़े भाई मजे में नहीं है। भीड़े भाई,
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। वो माँ हुआ यूँ कि हम लोग वो बॉल बच्चन फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, चिपको गम को याद दे दूंगी। हाँ हाँ, चिपको गम की वजह से ये सब हुआ है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये पता चल गया। हाँ, और मुझे निकलते ही खुशखबरी का फाद करती हूँ। मैंने बहुत बढ़िया आइडिया बताया है। यार भाई सुनिएगा। हाँ सुन रहा हूँ। सुनने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितना बढ़िया है। नहीं अय्यर, दया भाभी का आइडिया तो बढ़िया ही होगा। याद है पिछली बार जब मेरे गले में सीटी अटक गई थी तो दया भाभी ने निकाली थी। वो कुटाई जी, मतलब दया बिन आज भी आप भिड़े भाई की पीठ पे गुम्बा मारकर मूछ निकालोगे? दया भाभी आप आइडिया बताइए ना क्या है। हाँ हाँ, आपके पास हेमलेट है? हेमलेट? हाँ, शेक्सपियर की किताब। अरे नहीं नहीं, हेमलेट हेमलेट वो स्कूटर चलाते वक्त सर पर पहनते हैं ना, ऊपर से टकलू जैसा होता है। She means helmet. हाँ, है। वाह वाह बबीता जी वाह। लेकिन दया तू मुझे ये पहले बता कि ये हेमलेट और मूंछ का क्या लेना देना? दीना दीना है, देखिए समझाती हूँ। माने मुझे कहा कि भीड़े भाई को पहले हेमलेट पहना दो, फिर उनके ऊपर गरम कंबल उड़ा दो, उससे क्या है गर्मी होगी और गर्मी की वजह से पसीना होगा और पसीने की वजह से मूंछ सरक जाएगी शायद। दया भाभी जी ये हो सकता है, पसीना आएगा तो मूंछ निकल सकती है। क्या मैं कितनी स्ट्रॉन्ग जेल लगा लूं, हेयर स्प्रे लगा लूं, फिक्सो लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, मुझे पसीना होता ना मेरी दाढ़ी खुल जाती है। और ये तो मुझे है जी। हाँ, लगता है ये आइडिया काम करेगा। हाँ। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। भीड़े बहन आप जल्दी से हेमलेट लेकर आइए और गरम कंबल लेकर आइए। हाँ? कंबल को किधर, गैस पे गरम करके लाया कि सगड़ी पे? कंबल तो गरम ही होता है ना। तो गरम कंबल लेके आए क्या होता है, कंबल लेके आए ऐसा ही बोलना होता है ना। सॉरी मेरा आज भीड़े भाई लैबोरेटरी के चूहे जैसे हो गए हैं। मतलब? As in, उन पे एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स होए जा रहे हैं ना, इसलिए। कुछ भी हो बबीता जी, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट को यश मिल जाए बस। वैसे तो डॉक्टर हाथी हमेशा होते ही हैं, पर आज जब जरूरत है तो वो है नहीं। पक्का ना? बिल्कुल सच कहा बबीता जी, जीवन में हमेशा ऐसा ही होता है। जब रिक्शा की जरूरत होती है तो रिक्शा मिलती नहीं है, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आती है। जेठालाल, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आएगी ना, पहले आके क्या करेगी? अरे भाई ऐसे पंचा छोड़ो ना भाई, तू ये ढक्के बैठा आराम। मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे। इसमें भी कितनी इसका पंचा है। भीड़ भाई सब बराबर है, अंदर गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है। काय हो? ओ दया पापी जी, ऐसे पसीना नहीं होगा, उसके लिए तो कसरत करनी पड़ेगी। ओ पिड़ो, ओ कसरत शुरू कर। हाँ, ओके। हाँ। ओ बॉडी की कसरत नहीं करनी है, सर की कसरत करनी है। ओ तू बैठ माधवी पापी जी, एक मिनट मैं करता हूँ यार। चल भाई, ए बी सी डी शुरू हो गया, सी जम के पीना अपनी आएगा। सॉरी भाई, रोशन रोशन, अरे सॉरी 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 रोशन, सुन तो मुझे खेलो टेके कि भीड़े भाई का सर है, तेरी गड्डी का स्टीयरिंग व्हील नहीं जो गोल 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 घुमा रहा है। भीड़े भाई, तेरी
हिंदुस्तान में दो चीजें बड़ी कमाल की, एक तो एवरी टाइम इज टी टाइम और हर आदमी डॉक्टर जरूर है। चिकित्सक के पास जितने इलाज नहीं होते उतने आम आदमी के पास इलाज होते हैं। अब देखिए ना, भिड़े की हालत इस वक्त बिल्कुल लेबोरेटरी के चूहे की तरह हो गई है। तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं उसकी मूछें निकालने के लिए, और अभी तो आधे एक्सपेरिमेंट हुए हैं साहब, आधे एक्सपेरिमेंट बाकी। अब क्या होगा, क्या भिड़े की मूछें निकलेंगी या भिड़े को इन मूछों के साथ ही रहना पड़ेगा? अगर आपके दिमाग में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो मुझे 420420 पे SMS कीजिए। अरे साहब मजाक कर रहा हूं, अब सोचना यह है कि भिड़े की ये मूछें क्या क्या हंगामे करती है, मूछें निकालने की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक प्रतिक्रिया जरूर होगी, आपके घरों में हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।